हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग आईएफटी 2019 के क्वांट का फाइनल पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक सॉल्व करेंगे। ये वीडियो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में 17 से 25 और अभी जो दिन बचे हैं सही समय है आपके रिवीजन के लिए। तो अगर आपको आईएफटी के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखने हैं तो हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है कैट आईपी मैट। डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको पूरे आईएफटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दें क्वेश्चन नंबर 17 से 25। ठीक, देखिए ये फॉर्म ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन का, ठीक है। तो अगर एन ऑड होता है, जैसे किस में ऑड है, तो ये नंबर डिवाइड होगा ए माइनस बी से। फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप कई सारे एफटी के क्वेश्चंस ओरल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में भी आप लोग सीखना कि किस टाइप के क्वेश्चन ओरल करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को हमें छोड़ना ही है ना। तो आज के वीडियो में दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो देखते से ही छोड़ना है, तो ध्यान से देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखते से ही छोड़ देना है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 37 माइनस 26 11 आएगा, है ना। b ऑप्शन में दिख रहा था, तुरंत लगा देते तो विद इन 30 सेकेंड्स आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18। अ मोटर बोट टेक्स द पैसेंजर्स फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार एंड बैक। बोथ द सिटीज ऋषिकेश एंड हरिद्वार आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ड्यूरिंग कुंभ मेला To earn more money, the owner of the motorboat decided to have more trips from Rishikesh to Haridwar and back. So he increased the speed of the motorboat in still water by 50%. मतलब motorboat की speed initially अगर x मान लें तो बाद में motorboat की speed क्या हो जाएगी, 50% से increase हो जाएगी, means 3x/2, ठीक है। He was able to cut down the travel time from Rishikesh to Haridwar एंड बैक बाय 60%। मतलब पहले अगर टाइम टी लगता था तो अब वो 40% लगेगा, है ना। रिड्यूस बाय 60% लिखा है, मींस 40% मींस 2t/5। अब टाइम क्या होता है, टाइम एक जाने डिस्टेंस अगर डी एज्यूम कर लें तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई स्पीड ऑफ रिवर गंगा प्लस लौटने में अपस्ट्रीम अगर मान लें तो एक्स माइनस वाई, है ना। सेकेंड टाइम ओवरऑल टाइम क्या हो जाएगा, 2t/5 इज इक्वल टू डी अपॉन, इस बार x की जगह क्या लिखना है, 3x/2, गंगा की स्पीड तो वही रहेगी, प्लस डी अपॉन 3x/2 माइनस वाई, क्लियर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो d कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई यानी 2x/x²-y² ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसमें भी ये 2 LCM ले लें तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, है ना, और ये 2 इधर, तो इसमें 2D कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, 3x+2y एंड 3x-2y यानी 6x अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी है 3x²-9x²-4y²। ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो t/2t/5 क्या हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू डी से डी कैंसिल, 2x/x²-y² और इधर क्या आ जाएगा, 6x(2d) है ना, डी से डी कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा, 9x²-4y², ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, d से d कैंसिल हो चुका है, इस d को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। इधर मल्टीप्लाई कर, ये x से x कैंसिल कर दो और 2 3 6 यानी 5 3 15x²-15y² इज इक्वल टू 9x²-4y², x को एक साइड, y को एक साइड, 6x² इज इक्वल टू 11y², x अपॉन y क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 11/6,
यही पूछा था, ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आखिरी में करना चाहिए जब टाइम बचाओ, है ना, इतना लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं रहती एग्जाम में। 19th, अ क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स हैं, सबने 20 मैचेस खेले हैं अभी तक। विराट, नाम क्या क्या है? विराट, रोहित, महेंद्र को धोनी लिख लो, राहुल और शिखर। इनका एवरेज क्या है? 60, 55। देखो इस बार कई एप्टीट्यूड सेट में खास बात होती, कई डेटा ये ऐसे फर्जी दे देते हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में, है ना, तो उसका ध्यान रखना। ये इनका एवरेज दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स का एवरेज है 25, ठीक है। इन द नेक्स्ट 10 मैचेस विराट और रोहित ने 900 रन बनाए, यानी एवरेज क्या होगा? 90, है ना। अब आगे बात करो तो रोहित की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ विराट की बात हो रही, तो हम विराट पे ही कंसंट्रेट करते हैं। मतलब 30-30 रन ज्यादा बना, एवरेज अगर 60 था, अब अगर अगले उसमें उसका एवरेज है 90, है ना, तो 30-30 10 इनिंग्स में ज्यादा बनाए, मतलब 300 रन ज्यादा बनाए। ओवरऑल इसकी इनिंग्स कितनी हो जाएंगी? 30, मतलब 10 का चेंज आएगा ओवरऑल, तो न्यू एवरेज इसका हो जाएगा 70, है ना। इतना ओवरऑल करना आना चाहिए। अगर इतना ओवरऑल करके आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देना आईएफटी जैसे, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? देखो 30 ज्यादा थे 10 इनिंग्स में, ओवरऑल 300 ज्यादा हुए 60 से, अब ये पूरा इक्वल डिवाइड होगा 30 इनिंग्स में, तो 300 बाय 30 10, यानी अब नया एवरेज इसका हो जाएगा 70। आगे पढ़ो, महेंद्र स्कोर ट्वाइस दैट ऑफ राहुल, तो महेंद्र की तो अभी बात होने से पहले हमें राहुल पे बात करनी है। ए विराट का न्यू एवरेज इज ट्वाइस ऑफ राहुल्स, ट्वाइस ऑफ राहुल है, राहुल का एवरेज अब 35 हो गया है, मतलब पहले उसका था 45, 20 में इतने टोटल रन थे, अब अगले कुछ मैचेस में उसने एक्स रन मान लो बनाए, ओवरऑल इनिंग्स कितनी होगी? 30, अब इसका एवरेज हो गया 35। सॉल्व कर लो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 35 3 = 1050 -45 2 = 90 900, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू? 150। इन्हें राहुल ने अगली जो 10 इनिंग्स होंगी उसमें 150 रन ही बनाए होंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है? महेंद्र स्कोर ट्वाइस दैट ऑफ राहुल, इन्हें अगर राहुल ने 150 रन बनाए, ठीक है, अगली 10 इनिंग्स में, तो धोनी ने कितने बनाए होंगे? 300, है ना, ट्वाइस। अब पहले इसके के रन थे 20 इनिंग्स में, 50 × 20,000, अभी इसने कितने बना लिए? 300 और, मतलब महेंद्र सिंह धोनी का स्कोर टोटल हो गया 1300 30 इनिंग्स में। सॉल्व कर लो, 43.33, ऑप्शन बी, इजी था, तो 19th का आंसर ऑप्शन बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 2, ठीक है, इस स्क्वायर की लेंथ क्या है? 2, और अंदर वाले की है 1, y माइनस x निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा? 4, इसका एरिया क्या होगा? 4, 4 में से अगर मैं ये 4 क्वार्टर माइनस कर दूं सर्कल के, यानी एक सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, है ना, तो जितना मैंने शेडेड किया है उसको हटा के अंदर वाले का एरिया आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्या होगा इसका? देखो ये रेडियस होगी सर्कल्स की जो कि क्या है? 1, यानी पाई 1 का स्क्वायर, यानी ये एरिया बचा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई क्या एरिया बचा है हमारे पास? ये है ना, पूरा मैंने ब्लैक ही कर दिया, ये जो बचा है ब्लैक ब्लैक। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये एरिया क्या है? 4 माइनस पाई, क्लियर। अब ध्यान से देखना, 4 माइनस पाई तो आ गया, 4 माइनस पाई में से ये वाला एरिया अभी मुझे नहीं पता है एक्स, अच्छा ये एक्स है, ये एक्स 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 है, एक्स 4x और माइनस कर दूं
तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। बीच वाला मींस मैं आपको कलर चेंज करके समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। इसको अपन रेड कर देते हैं, रेड ये एरिया आ जाएगा, रेड जो मैं मार्क कर रहा हूँ, है ना। एक एरिया तो उन्होंने खुद ही एक्स दे दिया, तो हम क्यों मेहनत करें एक्स निकालने की। ठीक है, तो 4 माइनस पाई तो हमारे पास था ही, इसमें से माइनस एक्स इसका है, एक्स ये होगा, एक्स ये होगा और एक्स ये होगा, माइनस क्या कर दो 4x, ये एरिया आ गया, ये बीच में जो मैंने रेड रेड बनाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्क्वायर का एरिया नहीं, अंदर वाले स्क्वायर क्या है, 1/1 का, यानी उसका एरिया क्या होगा 1, है ना। इसमें से अगर ये वाई वाई में माइनस कर दूं तो भी ये जो रेड पार्ट है अंदर उसका एरिया आ जाएगा, मतलब माइनस में 4y कर दूं तो ये भी रेड पार्ट का एरिया आ गया, जो कि ऊपर निकाल चुके हैं। ऊपर हमने क्या निकाला है, 4 माइनस पाई माइनस 4x इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेड पार्ट है। वाई माइनस एक्स पूछा है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, पाई माइनस इधर चले आएगा 1 माइनस 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू 4 कॉमन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स पूछा था तो पाई माइनस 3/4 ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, रोहित परचेज असिस्टेंट, ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ओरल कर सकते हो, है ना। 12, 15 और 20 एलसीएम ले लो, 60 आएगा, तो लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 60 लीटर्स, है ना। अब पहला है 12 मिनट्स में फिल कर रहा है, तो फर्स्ट की कैपेसिटी यानी रेट क्या हो जाएगा, 60/12, 5 लीटर पर मिनट फिल करेगा। सेकंड क्या करेगा, 60/15, 4 लीटर पर मिनट फिल करेगा। दोनों मिल के क्या करेंगे, 9 लीटर पर मिनट फिल करेंगे, लेकिन लीकेज के कारण क्या हो रहा है, 20 मिनट्स में भर रहा है, मतलब ड्यू टू लीकेज क्या हो रहा है, 60/20, 3 लीटर्स पर मिनट ही फिल हो रहा है। तो 9 माइनस 6 होगा तभी 3 आएगा, मतलब जो लीकेज वाला होगा वो क्या कर रहा होगा, 6 लीटर पर मिनट एम्प्टी कर रहा होगा। ठीक है, 60 एम्प्टी करवाना है तो इनटू क्या कर दो, 10 10 मिनट्स में पूरा एम्प्टी कर देगा, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन इतनी जल्दी करने चाहिए। 22, ये इस टाइप के अब छोड़ देने चाहिए। देखो 12 13 दिया हुआ है तो वो राइट एंगल मत मान लेना, क्योंकि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी बोल दिया है ना। तो अगर एपी में है तो देखो हम 3 एंगल हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आप एज्यूम करोगे, इन तीनों का समीशन 180 होगा, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 180, ए की वैल्यू क्या आ गई 60, तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। अब कोई भी एक ट्राइंगल बना लो, ऐसा कुछ भी, लॉन्गेस्ट टू साइड्स क्या दी हुई है, 13 और 12, तो 13 के सामने वाला एंगल भी लॉन्गेस्ट होगा, यानी 60 प्लस डी वाला होगा, और ये हो क्या होगा 60 वाला, और ये एंगल होगा 60 माइनस डी सबसे छोटा, इसको आप एक्स मान दो, है ना। अब आप फॉर्मूले लगा के एक्स की वैल्यू निकालोगे, जैसे मान लो कॉस 60 की ही वैल्यू मालूम होती है हमें, तो कॉस 60 इसकी वैल्यू क्या होती है, 13 स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर/2a, यानी 2 × 13 × x, कॉस 60 क्या होता है 1/2। इसको सॉल्व करके आप एक्स निकालोगे, है ना। देखो काफी लेंथी प्रोसेस है ना, एक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू डेल बाय एस। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे हाफ ए बी साइन थीटा से, है ना, तो एक्स आपको पता चलेगा तब आप लगाओगे, फिर सेमी पेरीमीटर निकालोगे। देखो काफी लेंथी है, एग्जाम में छोड़ देना, आंसर इसका 1 आता है, आंसर बता देता हूँ 1, लेकिन काफी लेंथी प्रोसेस के बाद, और कैलकुलेटर भी प्रोवाइड नहीं करता एफटी, तो 22 आपको देखते से ही छोड़ना था, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं रहती, बाकी सेक्शन भी करने हैं हमें, लेकिन हाँ सॉल्व करना हो तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें आप कौन सा लगाना, हाफ ए बी साइन थीटा, इससे थोड़ा सा जल्दी होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू बर्थ रजिस्ट्रेशन डेटा अवेलेबल विद द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेट, 7 लोग बॉर्न हुए हैं, है ना,
इधर लिख लो सेवन बेबीज, ये कुछ बॉर्न इन अ पर्टिकुलर वीक इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री बेबीज वर बॉर्न ऑन द सेम डे ऑफ वीक। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। देखो ओवरऑल टोटल केस कितने होंगे, सेवन बेबीज हैं पूरे हफ्ते में बॉर्न हुए, मतलब 72 to the power 7 ये टोटल केस होंगे जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। अब एक पर्टिकुलर डे में थ्री बेबीज बॉर्न हुए, यानी 7 में से 3 आप सिलेक्ट कर लो बेबीज को, है ना। वो पर्टिकुलर डे क्या हो सकता है, मंडे से लेके संडे तक कोई सा भी हो सकता है, तो इंटू 7 कर दो। अब बचे हुए 4 बेबीज, वो बचे हुए किसी भी दिन को बॉर्न हो सकते हैं, मतलब बचे हुए दिन कितने, 6, 5, 4, 3, ये टोटल रिक्वायर्ड केस आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केस दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा, तो 23rd का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना। 24th, मोनिका बाइस सैमसंग 360 लीटर रेफ्रिजरेटर, है ना, एक एजेंसी से लिया 42,000 में, डाउन पेमेंट कर दिया 12,000 का, मतलब अभी कितना पे करना है इसको, 30,000, है ना, कंसेप्ट सीख लेना। अब 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगी, है ना, इक्वली एक्स मान लो इंस्टॉलमेंट 10% पर एनम है, हर 6 मंथ में करना है, 6 मंथ में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%। अब देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो एक्स ही रहेगी, उसके पहले जो दी होगी एक्स उसमें 5% लगेगा, यानी 21/20, उसके पहले क्या लगेगा, 21/20 का स्क्वायर प्लस इसके पहले क्या होगा, 21/20 का क्यूब, और ये टोटल कितना होगा, 30,000 में जो आपका 21/20 की पावर 4, 4 साल हो जाएंगे, 6 मंथ के हिसाब से 4 बार काउंट करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन सी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,460। समझ में आ गया होगा, इसको भी आपको छोड़ना है, इतनी कैलकुलेशन आप नहीं करोगे एग्जाम में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मिस देवजानी आफ्टर हर MBA ग्रेजुएशन वॉन्ट्स टू हैव स्टार्टअप फॉलो ओन, फॉर दिस शी यूजेस 8 lakh rupees फॉर हर ओन सेविंग एंड बोरोस 12 lakh फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर मुद्रा स्कीम। ठीक है, 12 lakh इसने लिए, एज पर द एग्रीमेंट विद द बैंक शी सपोज टू रिपे द प्रिंसिपल ऑफ दिस लोन इक्वली ओवर पीरियड ऑफ लोन विच इज 25 years, लोन के पीरियड में ये इक्वली यानी इसको पे करेगी, यानी 25 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 48,000, प्रिंसिपल अमाउंट का 48,000 इसको पे करना है हर साल। 2 years आफ्टर टेकिंग फर्स्ट लोन शी बोरोड एडिशनल लोन ऑफ 8 lakh टू द फाइनेंस एक्सपेंशन प्लान ऑफ हर स्टार्टअप। If Miss clears all her loan in 25 years from the date of taking first loan, how much total interest she paid on her initial borrowing? Initial borrowing बोल दिया, मतलब ये 8 lakh जो बाद में दिया ये हमारे काम का वैल्यू नहीं है, है ना, सिंपल इंटरेस्ट से ले रही हूँ, इसका रेट दिया है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ध्यान से रखना 48,000 इनको हर साल देना है। ठीक है, अब पहले साल 48,000 पे लोन लगेगा जो कि क्या होगा इसका 8%। अब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंटरेस्ट पूछा है ना, कितना आएगा, 3840। ठीक है, तो पहले साल जो था वो 12 लाख पे आपका पूरा इंटरेस्ट लगेगा, है ना, कितना, 0.08। फिर देखो दूसरे साल क्या होगा, इसमें से आपने 48,000 पे कर दिया तो फिर 48,000 12 लाख में से माइनस कर दो, ठीक है, उस पे लगेगा। फिर तीसरे साल उसमें से फिर 48,000 माइनस कर देंगे, उस पे लगेगा, है ना, ऐसे चलते आएगा 25 years तक। तो फॉर्मूला क्या होगा, AP बन जाएगी यहाँ पे 25/2 n/2 2a 2 into a, क्या होगा 12 lakh का 0.08, सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया होगा, एग्जाम में छोड़ना है। प्लस n माइनस वन, 25 - 1 = 24 into d, क्या आएगा 3840, है ना, क्योंकि बार बार यही माइनस होगा,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 24-25 आपको एग्जाम में अगर आ गए तो छोड़ने हैं, इतनी लंबी आप कैलकुलेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे IFT के पूरे सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।